अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों का फेवरेट नाचोस, और बहुत ही इजी सिंपल स्नैक्स भी है, एपेटाइज़र के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं इसे आप। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी जी। ये मेरे पास कॉर्न चिप्स हैं 1 बैग, आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा फ्लेवर आपको पसंद है वही लें। ये मैंने रेगुलर कॉर्न चिप्स लिए हैं 1 बैग। सबसे पहले सॉस का बता दूं मैं आपको, ये मेरे पास चेडर चीज़ है 1 कप, और ये मेरे पास सार क्रीम है 1 कप। 1 कप चेडर चीज़, 1 कप सार क्रीम और 1 कप मोज़रेला है। मोज़रेला आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा ऐड करना है आप ज़्यादा ऐड कर लें, कम ऐड करना है कम ऐड कर लें। सॉस का भी कुछ ऐसा ही है, अपनी मर्ज़ी से आपको जितना पसंद है आप वो ऐड करें, लेयरिंग करें। इसके साथ कुछ वेजिटेबल्स मैं ऐड करूँगी जी। वेजिटेबल्स में आते हैं, ये मेरे पास जो है वो एक मीडियम साइज़ अवोकाडो है, ये मेरे पास डिल है पिकल, ये मेरे पास सिलेंट्रो है 1/2 कप, ये मेरे पास तकरीबन 2 से 2 कप होंगे ये टोमेटो, चेरी टोमेटो। 1 जो है वो मेरे पास रेड अनियन है, 1 बड़ी प्याज है मेरे पास चॉप की हुई जी, और ये मेरे पास क्यूकम्बर है 2 मीडियम साइज़ के, इसको भी चॉप कर लिया है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे मिलती हूँ जी। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये जैसे मेरे पास पिज़्ज़ा पैन है, आप कोई भी बेकिंग या माइक्रोवेवल जो है वो डिश ले सकते हैं। ये मैं पिज़्ज़ा पैन ले रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम अपने ये जो मेरे पास कॉर्न चिप्स हैं इसके लेयर कर देंगे। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप सिंपली इसको जो है वो फैला लें चिप्स को। जी फर्स्ट लेयर जो है वो हमने चिप्स की लगा दी है। थोड़ा सा से क्लोज कर लें क्योंकि हम जब इसमें सॉस लगाएंगे तो ये नीचे ना लगे। जी फर्स्ट लेयर जो है वो मैं चीज़ की लगाऊंगी। उसके बाद ये वेजिटेबल्स में आ जाते हैं। ये वेजिटेबल सबसे पहले मैं टोमेटो रखूंगी। उसके बाद ये अनियन, अवोकाडो, ये जो पिकल है, दिल है और ये मैंने सिलेंट्रो। इसमें आप ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं पर मैं नहीं डालूंगी। उसके बाद जी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, सारी वेजिटेबल्स की फर्स्ट लेयर लगाने के बाद ये मैं चेडर चीज़ इसमें डाल दूंगी, सार क्रीम, मोज़रेला चीज़। जी फर्स्ट लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसमें सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, ऑप्शनल है ये भी, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको ना पसंद हो, बच्चों के लिए बना रहे तो नहीं बनाएं, मेरे घर में इस्तेमाल करते हैं तो मैं ये ऐड कर रही हूँ। ये मैं सॉल्ट और चिली ऐड कर रही हूँ, चिली फ्लेक्स। इसमें आप ऑरिगेनो लीव्स भी डाल सकते हैं अगर पसंद हो किसी को। जी फर्स्ट लेयर कंप्लीट है, आप सेकंड लेयर लगाते हैं।
जी ये सेकेंड लेयर भी हमारी लग चुकी है और अब दोबारा से हम अपने वेजिटेबल्स पे आ जाते हैं। ये मैं एवोकाडो डाल रही हूँ, यहाँ एवोकाडो डाल दिया, पिकल, सिलेंड्रो, टोमेटोज, अनियन, क्यूकम्बर, जी वेजिटेबल की लेयर लगाने के बाद उसके बाद अगेन हम वही करेंगे चेडर चीज। चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपको कितनी पसंद है आप उतने हिसाब से ही डालें। सार क्रीम, ये आखिर में मोज़रेला चीज, आखिर में मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे और फिर से वही सॉल्ट एंड क्रश पेपर। जी अब मैं इसको बेक करूँगी, आप जो है वो माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। जी इसको बेक करने के तो दो तरीके हैं, एक तो आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं पर मैं बेक करूँगी तकरीबन 15 मिनट्स के लिए 350 ओवन पे, 350 फ़ारेनहाइट पे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव में अगर आप करेंगे तो तकरीबन 6 से 7 मिनटों में ये तैयार हो जाएगा। तो चलें मैं आपसे फिर मिलती हूँ आफ्टर बेक।